सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर आप लोग अच्छे हो, अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके, जिसका नाम है साबूदाना की खिचड़ी। हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना आपको पता है कितना हेल्दी है, वो आपको प्रोटीन देता है, प्रोटीन एंड फाइबर उसके अंदर होता है, कैल्शियम जो आपकी जॉइंट्स और बोन्स के लिए अच्छा होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल कम करता है, यू नो, तो बहुत 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 न्यूट्रिशियस है। तो इसी चीज़ें बनाएंगे, इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी मूंगफली और थोड़े से आलू उबले हुए। मैम जिन और आप देख रहे हो आपका अपने चैनल हेल्दी डिशेज, सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर नहीं किया, क्योंकि ऐसी डिशेज आपसे मिस हो जाएगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलेंगे मेरे किचन में और देखेंगे क्या इसके स्टेप्स है। तो लेट्स गो। तो ये देखिए, हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है साबूदाना। मैंने लिया है करीब 150 टू 160 ग्राम साबूदाना। अब इसको हम भिगाने जा रहे हैं, थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए मैंने करीब 1 ग्लास वाटर डाल लिया है इसमें, तो ये अच्छे से भीग जाएगा। इसको हम रखे हैं कम से कम 1 घंटे के लिए भिगा के। तो 1 घंटे भिगा लिया था हमने साबूदाने को, देखिए अच्छे से भीग चुका है, ये देखिए, राइट। तो अब मैंने इसके साथ और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स आपको बता दिया था, दिखा देते हैं आपको। मैंने लिए थोड़े से आलू उबाल लिए हैं, मेरे पास है थोड़ी सी मूंगफली। तो चलेंगे सीधे गैस की तरफ और गैस ऑन कर लेंगे। इसमें मैं डाल रहा हूं 2 टेबलस्पून घी, ठीक है, थोड़ा ज्यादा डाल रहे हैं आज, क्योंकि बनाएंगे बेहतरीन से खिचड़ी। तो आप क्या करोगे, अगले दिन ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना और घी को बर्न कर लेना, कैलोरी बर्न कर लेना, लेकिन घी से आपको मिलेगी गुड फैट, अच्छी कैलोरी मिलेगी। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जीरा और साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली और इसको भून लेंगे। तो जब तक हमारी मूंगफली भुन रही है, हम क्या करेंगे, आलू काट लेंगे। तो आप आलू उठाइए और ऐसे पीस करिए छोटे छोटे, बढ़िया। तो बस ऐसे आलू काट लीजिए सारे। उसके बाद हम चल रहे हैं फिर से गैस की तरफ। ये देखिए हमारी मूंगफली भुन रही है। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें करी पत्ता और इसको भून लेते हैं। अब डाल देते हैं मिर्च और डाल देते हैं साथ में आलू, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, साबूदाना इसमें डाल देते हैं और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, कम खाने तो ज़्यादा बेहतर है, और डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून मैं डाल रहा हूँ इसमें किचन किंग मसाला और 1 टीस्पून मैं डाल रहा हूँ इसमें कोरिएंडर पाउडर, ठीक है, और थोड़ा सा लास्ट में मैं डाल रहा हूँ इसमें रेड चिली पाउडर। बस अच्छे से अब चला देते हैं, मिला देते हैं। तो ये देखो इसको ऐसे चला रहे हैं हम, देखो शानदार लग रही है आपकी खिचड़ी, बेहतरीन, ठीक है। तो अब इसमें मेरा मैजिकल इन्ग्रीडियंट पड़ेगा जो है कसूरी मेथी, चूर के डाल देते हैं थोड़ी सी और इसको रखेंगे हम कवर करके 5 मिनट के लिए। तो नॉर्मल खिचड़ी तो बना के खाते होंगे, कभी ये खिचड़ी ट्राई करना साबूदाने की, बहुत टेस्टी होती है, बहुत हेल्दी होती है। तो प्लीज इंक्लूड दिस इन योर डाइट, एक बार हफ्ते में आप एक बार ट्राई करके बताएं कैसे आपकी बनी है। 5 मिनट रखा था हमने इसे हल्की आंच में और अब देख लेते हैं कि क्या इसका रंग रोगन आया है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन शानदार, हाय हाय कमाल है ना ये। बस ठीक है, ये बन चुकी है हमारी खिचड़ी, बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही शानदार टेस्टी। तो बस इसे मैं प्लेटिंग करूंगा और आपको दिखाऊंगा ताकि आपके मुंह में आए पानी और इसे मैं खाऊं मस्त तरीके से, राइट। सो मिलते हैं। तो ये देखिए शानदार हमारी खिचड़ी रेडी है, कमाल है। तो बस यही थी आज की रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज मैसेज करके बताएं, कमेंट करके बताएं। उससे भी बड़ी बात है कि आप इसको ट्राई करें, अगर जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक ये फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का या मेरा बनाने का। तो प्लीज ट्राई करें अपने घर पे, हेल्दी है बहुत साबूदाना, मूंगफली है, आलू है, सब कुछ है इसमें, तो आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। इससे अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि वो भी इसे बनाए और इन्जॉय करें। हैप्पी दिवाली अगेन
और चिली मीट अगेन, प्लीज कीप कुकिंग एंड बी हेल्दी। मैं जब इसको लेता हूँ।